वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं अभी मैंने देख सकते हो कि मैंने ये ड्रेस बनाई है, ये टॉप बनाया है। ये मैंने सोचा था, खुद डिज़ाइन किया था, पर मुझे रिक्रिएशन का बनाना था। तो मैंने देखा कि किस एक्ट्रेस ने शायद पहना हो, पर ये जो डिज़ाइन है ये ड्रेस में पहना हुआ है, पूरी ऐसी नॉर्मल टॉप नहीं है। तो मैंने आइडिया लेके खुद से अपना डिज़ाइन बनाया, एंड देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। सो मैंने अब क्लॉथ को बैक साइड फोल्ड कर दिया है, एंड ये है बेसिक बॉडिस फ्रंट एंड बैक। एंड मैं इसको इस पर ट्रेस करूँगी, एंड देन मैं इसको डार्ट्स भी डालूँगी। तो अब हम इसको ट्रेस करते हैं एंड कटिंग करेंगे। नाउ अब मैंने वेस्ट तक इस बॉडिस को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कट करूँगी एंड वन शोल्डर बनाऊँगी। एंड मैंने 2 inches इनवर्ड्स लिया है अपने आर्म होल कर्व बनाने के लिए, क्योंकि ये वन शोल्डर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप देख सकते हैं मैंने कि ये वन शोल्डर बना दिया है, एंड आर्म होल भी बहुत अच्छा सा बन गया है। एंड अब जो बॉडीज में होता है कि बॉडीज में 2 डार्ट्स होते हैं, तो मैंने वो डाले हैं हाफ एंड हाफ हाफ इंच का लिए। एंड अब मुझे इन दोनों डार्ट्स को एक्सटेंड करना है, तो इसलिए क्योंकि करना है क्योंकि जो वन शोल्डर टॉप होता है ज़्यादातर वो लूज़ हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक्सटेंड करना होता है। एंड मैंने अब एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। सो अब मैंने डार्ट्स को स्टिच कर दिया है, एंड अगर फ्रंट में देखेंगे तो फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो फिर हम इसको कट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। सो अब मैंने ये बना लिया है वन शोल्डर टॉप। सो मैंने ये कपड़ा ले लिया है 40 inches by 15 inches, एंड ये कपड़ा मुझे ऐसे यहाँ तक स्टिच करना है। तो मैंने अब साइड सीम से स्टिच शुरू करनी है हमें, एंड देन पूरा टॉप तक जाना है। तो मुझे टॉप पे थोड़ा कपड़ा यहाँ छोड़ना है एंड इस डिज़ाइन बनाने के लिए, एंड थोड़ा कपड़ा अपने नीचे बैक में छोड़ना है, क्योंकि हम बैक में बाद में इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। सो अब ये हमारा डिज़ाइन बनने के लिए हमें प्लीट्स डालनी है, तो मैक्सिमम हम 3 प्लीट्स डालेंगे, क्योंकि जो हमारा डार्ट है बॉडीज का वहाँ तक ही हमें प्लीट्स डालनी है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम मैक्सिमम 3 प्लीट्स बनाएंगे। तो सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना अच्छी प्लीट्स डाली हैं और यहाँ पे टॉप पे इतना अच्छा डिज़ाइन भी आ गया है। नाउ जो बैक पे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कट कर दूँगी। तो मैंने इसको जब कट कर लिया है तो कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है। एंड नाउ मैं ये जो हमारा बो बनेगा, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। सो अब मैंने ये नीचे का बनाना है हमें, टॉप के नीचे का, तो मैंने ये ड्राफ्ट बनाया हुआ है, जैसे हम स्कर्ट का बनाते हैं मैंने वैसे ही किया है। सो अब ये ऐसे कट हो गया, तो ये स्कर्ट की डिज़ाइन जैसा आया है। एंड मैं इसको अपने बॉटम में स्टिच करूँगी। तो अब तक के लिए स्टिच भी हो गया है। अब हमें बस थोड़ा सा डिज़ाइन डालने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था हमें फोल्ड करना है, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी एंड ये खड़ा हो जाएगा एंड डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दिखता कैसे है जब मैं पूरा पहन। सो ये ड्रेस बन गई है, एंड हम देख सकते हैं कि वन शोल्डर टॉप है। एंड यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो, एंड आपको पूरी टॉप पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड कर देना बाय।